राज्य सरकार के द्वारा जो शिष्ट समाज के लिए व कर्मियों के लिए जो पदोन्नति बिल लाया गया, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो के लिए सराहनीय कदम, उसको किस वजह से आप देखते हैं? देखिए, भारत सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में एक मजबूत एफिडेविट के माध्यम से अनुसूचित जाति के जो करोड़ों कर्मचारी पदाधिकारी थे, उसको हित और पिछड़ापन को देखते हुए एक मजबूत एफिडेविट माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर किया है। इसके लिए अनुसूचित जाति वर्ग के तरफ से भारत सरकार को कोटि कोटि बधाई। हम इस अवसर पर कहना चाहते हैं कि केंद्र सरकार ने इस देश के 45 करोड़ दलितों को, आदिवासियों को, उनके हितों को रक्षा के लिए चिंता किया है, जो काफ़ी सराहनीय है। और स्टेट गवर्नमेंट ने भी हाल ही में प्रणामी विधायक 2022 माननीय सदस्यों को उपस्थिति में बहुमत से पारित किया था। आज इसके लेकर भी हम सभी ने सरकार के साथ साथ माननीय सभी सदस्यों को बधाई दिया था। कुछ सदस्य को अगर छोड़ दें तो लगभग ये बिल भारी बहुमत से पारित हुआ था, लेकिन जिन सदस्यों ने विरोध किया था उनको हम लोगों ने पूरे राज्य स्तर पर जोरदार विरोध दर्ज कराया था, जिसके चलते आज वह अपने विरोध को वापस लिए। हम उन्हें भी बधाई देते हैं और आग्रह करते हैं कि जो अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी के हितार्थ और संवैधानिक अधिकार है, उनमें सहयोग करें। अनुसूचित जाति समाज, अनुसूचित जनजाति समाज उनके साथ हैं। उपेंद्र रजक, राष्ट्रीय महासचिव, अनुसूचित जाति महासभा।